नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक से पूरी दुनिया वाकिफ है। हर कोई जानता है कि किम किस तरह से अपने विरोधियों पर कहर बनकर टूटता है, किस तरह किम अपने दुश्मनों को दर्दनाक सजा देता है, अपने देश के लोगों पर किम किस तरह की पाबंदियां लगाकर रखता है। इन बातों को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज हम आपको उत्तर कोरिया के लोगों की वो हकीकत बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना। आज हम आपको बताएंगे कि लोगों के अंदर डर बना रहे उसके लिए किम लोगों के साथ क्या करता है और लोगों के इस डर को दिखाने की उत्तर कोरिया में क्या परंपरा है। दरअसल ये तो आपको पता ही है कि उत्तर कोरिया में राजशाही परंपरा है। पहले किम के दादा, फिर उनके पिता और अब किम खुद उत्तर कोरिया पर राज कर रहे हैं और यहाँ के लोग अपने राजा के जीते जी उसे पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन लोगों के अंदर डर बना रहे उसके लिए यहाँ पर एक अनोखी परंपरा है। परंपरा यह है कि जब उत्तर कोरिया के शासक की मौत होती है तो उसके गम में यहाँ के लोगों को रोना होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर इसे जुर्म माना जाता है और किम परिवार उसे सजा देता है। बताया जाता है कि जब किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल की मौत हुई तो प्रजा को शोक सभा में खुलकर रोने का आदेश मिला था। तब पूरे उत्तर कोरिया के लोग पूरे दम से चिल्ला चिल्ला कर रोए थे और जो ठीक से नहीं रो सका वो अगले ही रोज गायब हो गया। मीडिया में तब इस बात की काफी चर्चा रही थी। डेली मेल की खबर के मुताबिक तब जल्द ही रोती हुई जनता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीरों में लोग रो रहे थे, कुछ लोग तो रोते वक्त जमीन पर सिर पटक रहे थे और कई लोग तो बार बार जमीन पर गिर भी रहे थे। वैसे तब इन तस्वीरों को लेकर काफी चर्चा हुई। कुछ लोग इन तस्वीरों को सच बता रहे थे तो कुछ झूठी, लेकिन डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उनके पिता के लिए उत्तर कोरिया में शोक सभाएं रखी गई थी। इन सभाओं में आकर लोगों को ये साबित करना था कि वो अपने राजा से कितना प्यार करते हैं। उत्तर कोरिया में ये एक तरह से किम परिवार के लिए लोगों की उनकी वफादारी का भी एक सबूत था। देश के बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, मर्द हों या फिर औरत, हर किसी को इस दौरान रोना जरूरी था। किम के पिता की ये शोक सभा पूरे 10 दिन चली थी। इस दौरान ये भी देखा गया कि कौन सा इंसान कितना रो रहा। 10 दिनों के बाद एक बैठक हुई जिसमें किम खुद उपस्थित थे। इस बैठक में शोक सभा में ठीक से न रोने वाले इंसान को 6 महीने की कड़ी कैद में रखने की सजा सुनाई गई। दोषियों को रातों रात घर से उठा लिया गया। ऐसे हजारों लोग थे, बहुत से लोगों का तो पूरा परिवार जेल में चला गया। तो दोस्तों, उत्तर कोरिया की ये वो परंपरा है जिसकी काफी चर्चा हुई, जिसकी काफी आलोचना भी होती रही, लेकिन क्योंकि उत्तर कोरिया के राजा के लिए वफादारी दिखाने का ये एक तरीका है तो यहाँ के लोगों को अपनी वफादारी दिखाने के लिए रोना तो पड़ता ही। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।